पुतिन से यूक्रेन और नाटो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। जंग में पुतिन अब कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो 10 महीने के युद्ध में पासा पलट सकता है। पुतिन की नई सुनामी देखेंगे तो आपको रूस की बड़ी ताकत का पता चलेगा। यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल 30 मुल्क दावा कर रहे थे कि रूस 10 महीने की जंग में अब हार के कगार पर पहुंच चुका है। आज वही यूक्रेन और नाटो चीख चीख कर दुनिया को बता रहे हैं कि पुतिन का रूस यूक्रेन पर अब तक का सबसे घातक हमला करने जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि मॉस्को से रूस की सेना मौत की सुनामी बनकर सीधे कीव पर हमला करेगी और कुछ घंटों में ही यूक्रेन को दबा करके रख देगी। ये भी दावा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन के सबसे बड़े सैन्य ठिकानों पर ईरान के आत्मघाती ड्रोन अराश 2 से भी हमला करने जा रहा है, जो ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से 5 गुना घातक है। रूस को ईरान ने अराश 2 आत्मघाती ड्रोन दे दिए हैं, जिनकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि पुतिन के रूस ने कितनी भयानक तैयारी कर रखी है। हम आपको आगे बताएंगे कि ईरान का आत्मघाती ड्रोन अराश 2 कैसे रूस को यूक्रेन पर जंग में जितवाए और क्यों अराश 2 को रूस यूक्रेन में गेम चेंजर माना जा रहा है। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि आखिर अचानक पुतिन की फौज ने ऐसा क्या कर दिया है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से लेकर यूक्रेन के जनरल तक कहने लगे हैं कि नए साल 2023 में रूस के 2,00,000 सुपर सोल्जर यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला करने जा रहे हैं। यूक्रेन के जनरल खौफ गए। जनवरी और फरवरी में होने वाले हमलों को लेकर रूस के जनरलों ने जबरदस्त तैयारियां की। कहा तो यहां तक जा रहा है कि लगभग 300 दिन की जंग में रूस में पुतिन ने जनरलों के साथ वॉर रूम में लंबी जंग की तैयारियां कर दी हैं, जो यूक्रेन और अमेरिका की सोच से बहुत आगे की जंग की तैयारियां कर चुके हैं। और राष्ट्रपति जेलेंस्की को इसका एहसास हो चुका है और इसीलिए अब पूरा यूक्रेन नाटो से तुरंत मदद की गुहार लगा रहा है। Людей проти усіх українців від Луцька до Харкова, від Сум до Одещини. Я вдячний кожному лідеру, я вдячний кожному народу, нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні інвестиції Росії в терор вже, уявіть собі, більше 4000 ракет треба перекривати ще більше. रूस ने 3 दिसंबर से अब तक 130 से ज्यादा घातक मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं, जिसमें से 7 मिसाइलें मारने का दावा यूक्रेन करता है। लेकिन उसके बाद भी 70 मिसाइलों ने यूक्रेन के कीव और दूसरे शहरों को खंडहर बना दिया है। यूक्रेन में सायरन बजाती एम्बुलेंस और दौड़ते भागते लोग, इमारतों से उड़ती लपटें साफ साफ दिखा रही हैं कि जेलेंस्की का यूक्रेन जहन्नुम बन चुका है। यूक्रेन में 48 साल के एक शीर्ष कमांडर मेजर जनरल एंड्री कोवलचुक ने नाटो को साफ तौर पर बता दिया है कि रूस एक भयानक और बड़ी लड़ाई की तैयारी कर चुका है और अगले 45 से 60 दिन में रूस यूक्रेन की तबाही दोबारा से बड़े पैमाने पर शुरू कर देगा। कमांडर मेजर जनरल एंड्री कोवलचुक ने नाटो को साफ बता दिया है कि फरवरी 2023 में पुतिन कीव पर कब्जा करने की पूरी ताकत झोंक देंगे। हालांकि अब भी रूस के कई कमांडर दावा कर रहे हैं कि भले ही मौत की सुनामी मॉस्को से चल चुकी हो, लेकिन यूक्रेन उस पर काबू पा लेगा। वहीं यूक्रेन के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी ज़ालुजनी यहां तक कह चुके हैं कि अक्टूबर 2022 में रूस ने 3,00,000 रणदूतों को भर्ती किया था,
जिसमें से 2 लाख बेहद माहिर फौजी बन चुके हैं, जिनका अगला टारगेट सीधे कीव है, लेकिन फिर जनरल दावा कर रहे हैं कि हम उनका मुकाबला कर लेंगे। Але саме він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти. Не залишає місця для страху чи зневіри. Кожного дня, усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу, я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил здолати. Генерал Валерій Залужний भले ही दावा कर दे कि वो इनके हमलों को नाकाम कर देंगे, लेकिन अभी तक जिस तरह से रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है, वो हैरान करने वाली है। यूक्रेन के शीर्ष कमांडर मेजर जनरल एंड्री कोवलचुक ने तो साफ कह दिया है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए दूसरे घातक हमले की तैयारी कर चुका है, जो हर हाल में होगा। इधर पुतिन की फौज ने भी 10 महीने में युद्ध में काफी कुछ सीख लिया, और अब रूस ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 के साथ साथ अराश 2 ड्रोन को उतार दिया है, जो जंग में पासा पलट देगा। जरा आप भी समझ लीजिए कि ईरान का अराश 2 आत्मघाती ड्रोन कैसे रूस के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल ओमार हैदरी के मुताबिक अराश 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, जिसे दुनिया में सबसे लंबी दूरी वाले अटैक ड्रोनों में से एक माना जाता है। शाहिद 136 ड्रोन की तुलना में ये 5 गुना तेज और घातक है। शाहिद 136 के प्रोपेलर में शोर होता है, जबकि अराश 2 तेज रफ्तार वाले जेट प्रोपेल्शन का इस्तेमाल करता है, जिसमें शोर काफी कम होता है। अराश 2 को तेज रफ्तार के चलते इसे मार गिराना ना सिर्फ मुश्किल होता है, बल्कि इसकी रेंज भी बढ़ जाती है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट अराश 2 को शाहिद 136 ड्रोन का बाप भी कहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन अराश 2 एक घातक हथियार साबित होने जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक ईरान 200 अराश 2 ड्रोन रूस को दे चुका है, यानी अब पुतिन के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ आत्मघाती ड्रोन की ऐसी मारक क्षमता मौजूद है जो यूक्रेन पर बहुत भारी साबित होगी। इसीलिए यूक्रेन बार बार अमेरिका से कह रहा है कि वो अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को जल्द से जल्द यूक्रेन भेजे, क्योंकि मौजूदा वक्त में रूस की तरफ से कीव पर रॉकेट और मिसाइलों की बरसात हो रही है। हफ्ते में 130 मिसाइलों के हमले ने यूक्रेन और नेटो को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पुतिन के इस तांडव से कैसे निपटा जाए। अमेरिका अपने घातक हथियार यूक्रेन को देना तो चाहता है, लेकिन हथियार देने में इतनी ज्यादा देर कर रहा है कि यूक्रेन रूस के सुनामी में खुद को संभाल नहीं पा रहा है। We were able to very quickly work with our allies and partners to get air defense capabilities there, to include NASAMS, and we've got 6 more on the way. So, right now, again, I don't have anything to announce. पुतिन की सेना के ताजा हमले और नई युद्ध नीति यूक्रेन और नाटो के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। अब हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन को जिताएं या बचाएं, जीत तो दूर की बात है। अभी तो हालात ये बन गए हैं कि नाटो भी खुद को यूक्रेन में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे में अगर पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए दूसरा घातक हमला शुरू कर देते हैं, तो फिर अमेरिका और नाटो से जुड़े 30 देश क्या करेंगे, क्योंकि रूस के साथ अब बेलारूस भी नए साल में यूक्रेन पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। यूक्रेन पर दूसरे घातक हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। कीव पर कब्जा करने का प्लान पुतिन बना चुके हैं। रूस की 2 लाख सेना का टारगेट कीव है। 2003 में रूस के साथ बेलारूस भी यूक्रेन पर हमला करेगा। बेलारूस के 60,000 सैनिक यूक्रेन पर हमले को तैयार हो चुके हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि रूस ने 3 लाख सैनिकों को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार कर लिया है। इसके अलावा परमाणु मिसाइल यार्स मॉस्को से हमला करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रूस की सेना लगातार आक्रामक होती जा रही है। पुतिन लगातार परमाणु हमले की धमकियां दे रहे हैं, जबकि अमेरिका और नाटो में शामिल 30 देश यही समझ नहीं पा रहे हैं कि यूक्रेन को फ्रांस के सालाना रक्षा बजट के बराबर पैसा देने के बावजूद रूस को यूक्रेन क्यों नहीं हरा पा रहा है। अरबों डॉलर की मदद भी यूक्रेन को पुतिन से बचा नहीं पा रही है, और इधर हर दिन पुतिन नए हथियारों के साथ जा रहे हैं, जिसकी वजह से जंग और भयानक हो गई है। रूस के पास मौजूद ईरान का ड्रोन अराश 2 तो अब यूक्रेन से लेकर यूरोप के दूसरे देशों में 2000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि यूक्रेन और अमेरिका रूस को काबू में करने के लिए क्या करेंगे।